जस्टिस व सुशांत फोरम का मंच तैयार करने वाले अभिनेता शेखर सुमन ने अब कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कुछ और बातें अपने सोशल मीडिया पर सभी के लिए शेयर की हैं। क्या कहना चाहते हैं वो, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, ये मंच जो है शेखर सुमन ने तैयार किया। उन्होंने कुछ पोस्ट डाले थे जिसमें ये कहा था कि सुशांत के निधन के बाद जो पहले शेर बने घूमते थे, अब चूहे बनकर बिल में घुस गए हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी और इस फोरम का मंच, एक अगर मैं कहूँ तो इस फोरम को तैयार किया जिससे जो लोग चाहते हैं कि इसकी CBI जांच हो वो सब एक साथ जुड़ सके। तो अब उन्होंने जो है आज सुबह जो है कुछ लिखा है इस बारे में, वो लिखते हैं, It has been declared that Sushant Singh was plain and simple suicide. Don't fall for that. वो कहते हैं इस सारी बातों में मत आना। I suspected this. वो कहते हैं ये मुझे मालूम ही था कि ये जो नैरेटिव है ये बहुत पहले से तैयार किया जा रहा है, तभी तो ये मंच बनाया गया है, तभी तो इस मंच पे आप सब आके जुड़े, और यही तो इम्पोर्टेंट है कि अब ये मंच अभी तो काम करेगा, क्योंकि अब तो जो है ये साबित कर दिया गया है कि इसमें जो है कोई भी साजिश नहीं थी, ये तो साफ सिंपल था, लेकिन ये होना था, ये मैंने पहले ही सोच लिया था। प्लीज़ रेज योर वॉइस फॉर री इन्वेस्टिगेशन, वो री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो आगे लिखते हैं, We all will have to take a more belligerent stand and not be covered down by the suicide narrative and whitewash slanted theories. This time we won't listen. This time we won't be convinced. वो कह रहे हैं कि इन सभी की बातों में मत आओ, हमें और थोड़ा सा योद्धा होकर एक ऐसा स्टैंड लेना पड़ेगा, और जो है इन सारी नरेशन को जो कि बताई जा रही है हमें, इसको साइडलाइन कर दीजिए और इन थियोरीज पर विश्वास मत कीजिए। अभी जो है समय नहीं है, हम इनकी बात इस बार तो नहीं ही सुनेंगे, ना ही इनकी बातों में आएंगे। जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, तो उन्होंने फिर से अपील की है, वो कहते हैं कि री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आप सभी मिलकर री इन्वेस्टिगेशन की आवाज़ उठाएं और जस्टिस फॉर सुशांत फोरम पर आकर जुड़े, जिससे जो है री इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा सके, CBI जांच की मांग की जा सके।